हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और ये मैं बना रही हूँ आज छोले की रेसिपी। और छोले मैंने रात में ही भिगो दिए हैं फ्रेंड, इसलिए मैं इसमें उबालते टाइम बेकिंग सोडा नहीं डालूँगी। लेकिन फ्रेंड मैं हल्का सा नमक डाल दूँगी और नमक डाल के इसको अच्छे से मिला दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें डाल दूँगी। मैंने छोले उबलने रख दिए हैं, अब इसमें लगाऊंगी मैं एक सीटी तेज गैस पे, उसके बाद मैं इसको कम कर दूंगी। फ्रेंड एक सीटी तेज लग गई है, उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को कम कर दिया। अब मैं चार सीटियां लगाऊंगी कम गैस पे। फ्रेंड थोड़ी देर हो चुकी है, मैं कुकर खोल के देखूंगी कि मेरे छोले कैसे उबले हैं। और आप देख सकते हैं कि कुकर की रबड़ भी निकल गई, इसको हटा देती हूँ। और आप देख सकते हैं छोले बहुत अच्छे से उबले हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। देखिए देखिए, छोले बहुत अच्छे से उबल गए हैं बिना सोडे के। थोड़ा शोर हो रहा है, बच्चे टीवी चला रहे हैं। अब फ्रेंड मैंने एक कटोरा लिया है, उस पर रखी है छलनी। अब मैं छलनी में सारे छोले पलट लूँगी। आप देखिए, क्योंकि मैंने कटोरा इसलिए रख दिया, सारा पानी उसमें ही चला जाएगा और हमारा किचन गंदा नहीं होगा। देखिए देखिए फ्रेंड, मैं इस छोले में नहीं डाल रही हूँ पिसे हुए आलू, इसलिए इसकी ग्रेवी के लिए मैंने लिए हैं 5 टमाटर जो मैं पीस लूँगी। और मैंने लिए हैं 4 प्याज, इनको भी मैं अच्छे से पीस लूँगी। और छोटा सा अदरक का टुकड़ा, ये मैंने पीस लिए हैं टमाटर। इसके बाद मैंने ये पीस लिया है प्याज, इसको भी मैं कटोरी में निकाल लूँगी। इधर फ्रेंड रिफाइंड भी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं जीरा अच्छे से साफ़ करके डाल दूंगी। ये जीरा भी भुनने लगा है। इसके बाद मैंने पिसा हुआ प्याज इसमें डाल दिया है, और प्याज आज पिसा हुआ है इसलिए मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर भी। टमाटर डालने के बाद सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी कटोरी में निकाल के। एक चम्मच मैंने मिर्च ली है और एक चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर। अब मैंने डाली है इसमें एक चम्मच हल्दी, और नमक लिया है मैंने स्वाद अनुसार एक चम्मच लिया है। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने मसाले के पेस्ट को डाल दिया है मसाले में। अब इसके बाद इनको अच्छे से मैं भून लूँगी, और ये जब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाएगा। इसके बाद मैंने परात में निकाल लिए हैं छोले। अब मैं चला रही हूँ मसाले को, अच्छे से मसाला भुन जाएगा, तब तक हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं। फ्रेंड मैंने छोले में आलू नहीं डाले हैं, उबले हुए नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैं इनको छोले को थोड़ा सा बढ़ने की मदद से कुचल लूँगी। कुचलने के बाद ये थोड़े से चिक्कल निकल आए हैं, इसको मैं उतार दूंगी, हटा दूंगी। कटोरी में मैंने हटा दिए हैं फ्रेंड, और सारे छोलों को मैंने मसालों में अच्छे से मिला लिया है। अभी थोड़ी देर तक मैं मिलाऊंगी इनको अच्छे से, पूरा मसाला इसमें मिक्स हो जाएगा। फ्रेंड ये मैं थोड़े से सूखे छोले निकाल लूँगी, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं पूड़ी के साथ। मैंने ग्रेवी के लिए पानी लगा दिया है, आप अपने हिसाब से पानी लगाएंगे। मैं सब्जी को बनने के लिए 15 मिनट के लिए रख दूँगी कम गैस पे। और ये देखिए मैंने ढककर रख दिया। एक तरफ मैंने ले लिया है पानी आधा कप, उसमें डाला है मैंने एक चम्मच चाय पत्ती। फ्रेंड मैं चाय नहीं बना रही हूँ, मैं डालूँगी ये छोले में।
अब आप देख सकते हैं छोले बन गए हैं, 15 मिनट हो गए हैं। इसके बाद मैंने चाय पत्ती का पानी छान के छोले में डाल लिया है। इसके बाद फ्रेंड इसका कलर इतना अच्छा आएगा, ऐसा लगेगा। मैं इसे थोड़ी देर तक और बनने दूंगी। तब तक फ्रेंड ये बन रहे हैं, तब तक मैं बना ले रही हूँ पूड़ियाँ। अच्छे से आटे को मैश करके इसकी लोइयाँ बनाएंगे। अब मैंने इसको चाकू की हेल्प से अच्छे से छोटी छोटी लोइयों को कट कर लिया है। एक साइज की ही कट हो जाएंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पेपर। इसके बाद ये कटोरा तैयार है, इसमें मैं पूड़ियाँ निकालूंगी। अब मैंने सेक ली हैं लाल लाल करारी करारी पूड़ियाँ। फ्रेंड अब मैं पहली पूड़ी निकाल लूंगी गाय के लिए। मैंने धुल के काट लिया है, मैं इसमें सब्जी में डाल दूंगी इसको। और मैं डाल रही हूँ छोले मसाला। मसाला थोड़ा सही डालती हूँ मैं, जिससे कि खुशबू आएगी छोले की। और ये मैं अच्छे से मिला रही हूँ इसको। देर बाद सब्जी को रख के मैंने देखिए लगा ली है थाली। इसमें काट लिया मैंने सलाद, दो पूड़ियाँ, और ले लिया है अचार, मिक्स अचार लिया है। और ये मैंने छोले लिए हैं। अब मैं सलाद में डालूँगी काला नमक। इसके बाद फ्रेंड मैंने थंबनेल के लिए एक दो पिक क्लिक कर ली हैं। अब मैंने थाली लगा ली है, मैं फ़ोटो खींचूंगी। देखिए मैंने फ़ोटो खींच लिया है इसका। इसके बाद अब मैं जा रही हूँ ये अपने हस्बैंड को देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड। आप बताइएगा, कमेंट करिएगा कि ये आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, कैसे बनाए हैं मैंने छोले। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।